अगर हम आपको घास खाने को कहेंगे तो आप भी सोचेंगे कि हम भला ये क्या कह रहे हैं। लेकिन हम किसी ऐसी वैसी घास की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बात हो रही है दुर्वा यानी धूप की घास की। धूप की घास को हिंदू धर्म में पूजा में प्रयोग किया जाता है, खास तौर से गणेश जी के पूजन में इसे चढ़ाया जाता है। लेकिन पूजन में इसका महत्व यूं ही नहीं है, इसके स्वास्थ्य संबंधी तमाम लाभ हैं, तभी इसे पूजा में भी प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके फायदों की। आयुर्वेद के अनुसार धूप की घास त्वचा संबंधी रोगों में बेहद लाभकारी होती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुणों की वजह से त्वचा संबंधी समस्याओं में लाभ होता है। इसे खाने से खुजली, एक्जिमा और चकत्ते आदि में लाभ होता है। इसका हल्दी संग पेस्ट बनाकर भी त्वचा पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा आजकल एनीमिया की समस्या आम हो चुकी है, इस बीमारी में धूप की घास रामबाण इलाज है। धूप की घास का रस पीने से बहुत लाभ होता है, यह हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है, साथ ही लाल रक्त कोशिकाओं में भी इजाफा करता है, इसलिए धूप की घास को हरा खून भी कहते हैं। इसके अलावा धूप की पत्तियों को पानी में उबालकर उससे कुल्ला करें तो मुंह के छाले में काफी लाभ होता है। यही नहीं, धूप की घास शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करती है। इसमें मौजूद एंटीवायरल और एंटी माइक्रोबियल गुण बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। धूप की घास थकान, तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं का समाधान करती है। डिप्रेशन और टेंशन जैसी मानसिक समस्याओं में भी धूप की घास बहुत लाभकारी है। इसके अलावा नाक से खून आने पर ताजी और हरी धूप के घास का रस दो दो बूंद नाक के नथुनों में टपकाने से नाक से खून आना बंद हो जाता है। यही नहीं, सिर दर्द में भी ये बेहद लाभकारी है। इसके अलावा जौ को धूप के रस में घोटकर सिर पर मलने से सिर दर्द दूर होता है। धूप को खाने के अलावा एक और लाभ है, यह लाभ ऐसा है जिसे सुनकर आप चौंक सकते हैं। धूप की घास पर सुबह नंगे पैर चलने से आँखों की रोशनी तेज होती है। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि अगर आपको चश्मा लगा है तो सुबह सुबह धूप की घास पर नंगे पैर चलने से चश्मे का नंबर भी कम हो सकता है। हालांकि इसमें ध्यान रखना चाहिए, धूप की घास पर ओस हो तो यह ज्यादा फायदा करता है। वहीं यदि किसी को मलेरिया हो गया है, धूप के रस में अतीस का चूर्ण मिलाकर दिन में 2 से 3 बार चाटने से लाभ मिलता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप किन किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, हम आपकी पसंद के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।